नमस्कार, आप सभी का कैसे हैं? आप सब आशा करते हैं सब बहुत अच्छे होंगे। मैं विदाउट मेकअप आज बिल्कुल कुछ भी नहीं किया क्योंकि समय नहीं मिला। कल से घट स्थापना होने वाली है घर पर और बहुत सारे काम रहते हैं क्योंकि मेरे घर पर मेरे अलावा और कोई है नहीं काम करने वाला इंसान। हस्बैंड है जो कि बाहर ही काम करते, बेटी है छोटी थोड़ा बहुत हेल्प कर देती है, बट सारा कुछ मुझे ही करना पड़ता। तो आप समझ ही रहे होंगे जिनके घर पर नवरात्रे होते हैं उनकी कितनी प्रेशर होती है। तो इसकी वजह से मेकअप करने का भी समय नहीं मिला, लेकिन आप सबके साथ वीडियो शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगा मुझे, इसलिए मैं इसी तरह आई। और प्रेजेंटेबल नहीं मुझे पता है, बट इसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। तो चलिए आज मैं आपसे बात करूंगी नव दुर्गा के बारे में। नव दुर्गा के कौन कौन से भोग आपको लगाने चाहिए 9 दिनों में, कौन कौन से फूल आपको अर्पण करना चाहिए, क्या माता रानी को प्रिय है, क्या काम करें और क्या बिल्कुल नहीं करें, तो इस विषय में मैं बात करूंगी आज और आप सभी से शेयर करने वाली हूँ इन सारी चीज़ें। तो आशा करती हूँ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को यानी कि हम दोनों के चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से ज़रूर करिए, क्योंकि जितना ज़्यादा लोगों की मुरादें पूरी होंगी, माता रानी की कृपा होगी, जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा आपके लाइफ में भी आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। कल है घट स्थापना, प्रथम दिन है नवरात्रि का, हमारा संवत बदल रहा है, 2081 हमारा संवत आने वाला है। और इन सभी के बीच में हाथ जोड़कर आप सभी से मैं माफ़ी मांगती हूँ अगर मेरे कर्मों वचनों द्वारा किसी का भी बुरा हुआ है या फिर आप लोगों को मैंने कभी भी किसी को भी हर्ट किया है, तो उसके लिए दिल से क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि मेरा इरादा बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मैं दूसरों को हर्ट करूँ। और जितना ज़्यादा हो सकता है मैं कोशिश करती हूँ कि दूसरों को खुश रख पाऊँ। ज़िंदगी में कुछ करना है, दूसरों को खुशियाँ बांटिए, खुद भी खुशियाँ ही मिलेंगी। और ये जो 2081 आने वाला है ना, इसका जो राजा है वो मंगल है और जो मंत्री है वो शनि है। तो आज जो विशेष रूप से मैं बात करूँगी कि माता रानी को क्या क्या प्रिय है, कौन कौन से काम आपको करने चाहिए। माता रानी तो घोड़े पर सवार होकर आ रही है, योद्धा की स्थितियाँ बनेंगी, हमेशा ही मैं ये चीज़ बता रही हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी मैं ये चाहती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में शांति हमेशा बनी रहे। सो झगड़े वगड़े करना बिल्कुल बंद कर दीजिए, घर पर मांस मदिरा का सेवन करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। नवरात्रे हैं तो जयकारा माँ शेरो वालिदा बोल साचे दरबार की जय, ज़रूर जयकारा लगाइए। कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिए, क्योंकि आज जो कमेंट में जय माता दी लिखेगा आने वाले 9 दिनों के अंदर माता रानी उसकी मुरादें ज़रूर ही पूरे करेंगे। और आपको सच बता रही हूँ कि मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मेरे द्वारा अगर किसी की मदद होती है, आपके द्वारा हो रही है, तो बिल्कुल डेफिनेटली होना है। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल ही नहीं है कि मैं यहाँ तक भी पहुँच पाऊँ। तो आप लोगों का भरपूर सपोर्ट रहा मेरे साथ। इंस्टाग्राम पे 100K का फैमिली मेरा पूरा हो चुका है और बहुत जल्द मैं उम्मीद करती हूँ माता रानी की दया से यूट्यूब और फेसबुक में भी बहुत जल्दी बहुत अच्छे फॉलोअर्स मेरे साथ जुड़ जाएंगे, मेरी फैमिली एक संसार का रूप ज़रूर लेगी। तो चलिए मैं आज आप बात करती हूँ कौन कौन से दिन में कौन कौन से भोग माता रानी को लगाएंगे, क्या करेंगे खास और क्या नहीं करेंगे। पहले बता दूँ क्या क्या नहीं करना चाहिए आपको। पहली चीज़ तो ये कि नवरात्रि के दौरान आपको काले और नीले रंग के कपड़े बिल्कुल नहीं पहनना है। मंगल प्रतिनिधि है और मंगल को अगर प्रसन्न करना है तो हनुमान जी की पूजा अर्चना करना अनिवार्य है, आवश्यक है। हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हनुमान जी की तस्वीर अगर अभी तक आपने नहीं लाई तो ज़रूर से ज़रूर कल के दिन लाकर अपने घर पर बजरंगबली की स्थापना ज़रूर करिए, माता रानी की स्थापना ज़रूर करिए। कम से कम एक तस्वीर ले आइए, एक नारियल ज़रूर माता रानी को चढ़ा दीजिए, जिससे आपकी मनोकामना जो है वो शीघ्र ही पूरी होना शुरू हो जाएगी। कि और क्या नहीं करना है, झगड़े बिल्कुल झगड़ा मत करिए। आपके घर पर जो भी मेहमान आते हैं, हो सकता है इन 9 दिनों के अंदर माता रानी किसी भी एक स्वरूप में आपके घर पर पधारे, सबका वेलकम करिए, अभिनंदन करिए। किसी को भी खाली हाथ अपने घर से जाने इन 9 दिनों में तो हरगिज़ नहीं देना है। आपको किसी के साथ अपशब्द यूज़ नहीं करना है, नॉनवेज नहीं खाना है, शराब नहीं पीना है, आपको मांस मछली नहीं खाना है, अपने घर की साफ़ सफाई ज़रूर करनी है। आज अमावस्या है, सूर्य ग्रहण है, आज का खास उपाय मैंने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया, ज़रूर जाके देखिए एस्ट्रो पूर्णिमा में, वहाँ पे मैंने एक दीपक जलाने के लिए कहा है जो कि 4 मुखी होना चाहिए। सरसों का तेल का दीपक आज के दिन अवश्य ही जलाना ज़रूरी है। आज के दिन दान करने का भी बहुत ज़्यादा महत्व है, जैसे कि गेहूं गुड़ का दान आज के दिन ब्राह्मण को ज़रूर करिए या किसी को भी कर सकते हैं। काले तिल का दान भी करने से पितरों की आशीर्वाद आपको मिलती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि प्रथम दिन जो है वो माता शैलपुत्री का है और प्रथम दिन माता जो है वो बहुत ही ज़्यादा आशीर्वाद देती हैं आपको। हिमालय पुत्री हैं वो
उनका जो प्रिय भोग है वो है घी। घी का भोग कल उनको अति प्रिय है, जरूर चढ़ाइए। और फल के रूप में हम उनको अनार चढ़ाइए। अनार क्यों पता है? अनार में बहुत सारे सीड्स होते हैं ना, मल्टीपल सीड्स होते हैं। जो भी आप चाहते हैं भगवान से वो मल्टीपल तौर पर आपके पास आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट हो। पैसे भी मांगते हैं हम तो अनगिनत, जिसे हम गिन ना पाए, इतने पैसे भगवान मुझे दे, इतनी खुशियाँ दे, इतनी सुख दे, इतनी समृद्धि दे। खुशी खुशी माता का जयकारा लगाइए, लाल रंग की चुनरी उन्हें उड़ाइए, श्रृंगार का सम्मान उनको अर्पित करिए और अनार का भोग लगाइए, घी का भोग लगाइए। माता रानी हो जाएंगी बेहद पसंद प्रसन्न। और हनुमान जी को जरूर पान का बीड़ा लगाइए, जो कि बिना चूना का होना चाहिए। द्वितीय दिन जो है वो माता ब्रह्मचारिणी का है, और ब्रह्मचारिणी जो है वो मंगल ग्रह को प्रतिनिधित्व करती हैं, पूरा कंट्रोल उनका रहता है। और इनको पसंद है मिश्री या चीनी का भोग, चीनी का भोग लगा सकते हैं, मिश्री का भोग लगा सकते हैं। और इनका जो प्रिय फल है वो होता है सेब, यानी कि एप्पल। ज़रूर से ज़रूर परसों, मतलब कि ब्रह्मचारिणी देवी को सेब का भोग द्वितीय दिन में ज़रूर लगाइए। तृतीय दिन जो होता है वो माता चंद्र घंटा का होता है, और इनका जो प्रतिनिधित्व है वो शुक्र पर है। जिनके भी शुक्र अच्छे हो जाएंगे उनके घर पर, उनकी ज़िंदगी में लग्जरी कंफर्ट तो बढ़ना ही बढ़ना है, ज़िंदगी में ऐशो आराम, समृद्धि, सुख सब कुछ बढ़ने लगता है। तो इस दिन आपको माता रानी को दूध का भोग लगाना चाहिए, और उनको पसंद है बहुत ज़्यादा केला। जी हाँ, चतुर्थी दिन जो है वो है माता कुष्मांडा का। कुष्मांडा देवी जो है इनको मालपुआ का भोग बहुत ज़्यादा पसंद है, ज़रूर लगाइए मालपुआ का भोग। और साथ में फल के रूप में नाशपाती, जो कि पीले रंग की होती है, ज़रूर चढ़ाइए, माता प्रसन्न हो जाएंगी। पंचम माता जो है पांचवें दिन स्कंद माता, स्कंद माता को भी केले का भोग अति प्रिय है, केले का भोग उनको लगाइए। अंगूर उनको अति प्रिय है, ज़रूर लगाइए। सिक्स्थ डे जो है वो माता कात्यायनी का है, इस दिन इनको शहद का भोग लगाइए और अमरूद का भोग लगाइए। सप्तम दिन जो है वो गुड़ का भोग लगाइए माता रानी को, क्योंकि ये जो दिन है वो कालरात्रि माता का है, और गुड़ का भोग से वो अति प्रसन्न हो जाती हैं। और चीकू जो है इनका प्रिय फल है, चीकू ज़रूर इनको चढ़ाइए। अष्टम दिन जो है वो है महागौरी का दिन, महागौरी के दिन ये जो माता है इनको नारियल अति प्रिय है, नारियल का भोग अवश्य चढ़ाइए, और शरीफा मिलता है मार्केट में, वो फल ज़रूर चढ़ाइए। और नवम दिन जो नवमी का दिन है वो सिद्धिदात्री का होता है, सफ़ेद तिल का भोग इनको लगा सकते हैं, संतरा का भोग इनको ज़रूर लगा सकते हैं। और इन सारे भोगों को लगाने के बाद इन भोगों का आप सब में वितरण करिए। हर एक माता, जितनी भी आपके घर पर लोग हैं, नहीं हैं, बाहर बच्चे हैं, जो भी हैं, आप जाइए, जाकर उनको भोग वितरण करिए, फिर खुद सेवन करिए। याद रखिए कि आपको हर रोज़ माता रानी को प्रसाद चढ़ाना है, प्रसाद के रूप में जो भी मिल जाए सबको बांटना है और फिर ग्रहण करना है। आरती दोनों के दोनों समय अगर आप आरती करते हैं तो ये भी बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। आशा करती हूँ मेरे जो वीडियोस हैं आपको पसंद आ रही होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। एक बार फिर अपने लुक के लिए माफ़ी चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।